इतना कम रिसोर्सेज होने के बाद भी हम लाखों में नौकरियां देने जा रहे हैं और जहां देश में कहीं नहीं दिया जा रहा है। सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। हमारे से पहले कौन था मंत्री? और पहले ही घोषित था ना, बाद में ना कोर्ट का फैसला आया, तो पहले जो घोषित था वो तो आरक्षण के साथ ही था। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP जो है हम लोग डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे। भाजपा तो शुरू से ही अति पिछड़ा विरोधी रही है, आरक्षण विरोधी रही है, गरीब विरोधी रही है। जब बेच ही दे रहे हो, सरकार के पास रहता तो आरक्षण लागू होता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में अब अति पिछड़ों को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें, बिहार निकाय चुनाव को स्थगित करना पड़ा क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया, जो जजमेंट दिया, उसके बाद ये साफ हो गया कि जिन सीटों पर निकाय चुनाव में जिन सीटों पर अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है उन पर चुनाव रोका जाए और उस चुनाव को फिर से जनरल किया जाए। अब ऐसे में अति पिछड़ा समाज की बात थी तो जाहिर सी बात है सत्ताधारी दल जो है, चाहे वो JDU हो या RJD, वो इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताने लगी। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करना है बिहार सरकार को, ये भी फैसला हो चुका है। ऐसे में आज हमने जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछा कि अति पिछड़ों के आरक्षण के बारे में जब आरोप लग रहे हैं BJP पर, JDU RJD के लोग आरोप लगा रहे हैं कि BJP वाले जो हैं वो आरक्षण विरोधी हैं, तो ऐसे में BJP ने भी पलटवार किया है कि लालू प्रसाद हो या नीतीश कुमार हो, आज तक पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए क्या किया है, आरक्षण के लिए क्या कर दिया उन्होंने? आज ही हमसे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने खास बातचीत में आरोप लगाया कि क्या किया है लालू यादव ने, क्या किया है नीतीश कुमार ने। अब इस पर तेजस्वी यादव ने भी साफ साफ कह दिया है कि BJP जो है सिर्फ झूठ फैला रही है, लोगों को मूर्ख बना रही है और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, अब बिहार मॉडल की भी बात करें, तेजस्वी यादव लोगों को नौकरी भी देंगे, क्या कुछ कह रहे थे जरा सुनिए। सर, आपने बिहार मॉडल की चर्चा की है कि जीरो टॉलरेंस की बात कही है जिसकी चर्चा होगी पूरे देश और दुनिया में। आज अपने बिहार मॉडल की बात की है। हाँ, तो इतना कम रिसोर्सेज होने के बाद भी हम लाखों में नौकरियां देने जा रहे हैं और जहाँ देश में कहीं नहीं दिया जा रहा, तो बिहार मॉडल को पूरा देश अपनाएगा। अच्छा, अति पिछड़ों के आरक्षण पर BJP बोल रही है कि सर आज तक लालू यादव नीतीश कुमार ने आरक्षण के लिए किया क्या है, जब किया तो भाजपा ने किया है। इतना बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। हमारे से पहले कौन था मंत्री? BJP के ही कोटे में था ना ये मंत्रालय। हम लोग तो हाईकोर्ट में भी लड़ रहे और हम लोगों ने ऐलान किया कि भाई आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। अब पहले ही घोषित था ना, बाद में ना कोर्ट का फैसला आया, तो पहले जो घोषित था वो तो आरक्षण के साथ ही था। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP जो है हम लोग डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे। BJP को क्यों दिक्कत हो रही है, क्या लगता है? भाजपा को कोई मुद्दा है नहीं ना, भाजपा तो शुरू से ही अति पिछड़ा विरोधी रही है, आरक्षण विरोधी रही है, गरीब विरोधी रही है। आरक्षण की बात करती है तो ये सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है, रेल बेच दिया जा रहा, हर चीज़ क्यों बेचा जा रहा? जब बेच ही दे रहे हो, सरकार के पास रहता तो आरक्षण लागू होता, जब आप चीज़ें बेच रहे हैं तो आरक्षण कहाँ लागू होगा? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, चाहे वो आरक्षण का मामला हो या फिर बिहार मॉडल पूरे देश में लागू करने की बात हो, क्योंकि इतने कम संसाधन होने के बाद भी बिहार में लगभग लाखों लोगों को नौकरी जो देना है उसके एवज में अब अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं, विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और जितने विभागों में जो नियुक्तियाँ होनी थी उसे भी अब शुरू करा दिया गया है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार मॉडल को अब देश में लोग नज़ीर मानेंगे, देश में इसे लोग सराहेंगे। ऐसे में अब आरक्षण को लेकर भी जो बातें हो रही हैं, जो सियासत हो रही है, जो टकराव हो रहा है महागठबंधन और BJP के बीच में, ये भी आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, BJP पर हमला भी बोला है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।